चांद मनुष्य को लाखों वर्षों से लुभाता हुआ आया है, क्योंकि यह कभी आधा तो कभी पूरा तो कभी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। किसी ने इसे मामा बुलाया तो किसी ने गार्ड, इसे किसी ने हम सफर कहकर पुकारा इसे। और चांद को हर एक धर्मों में विशेष स्थान दिया गया है, जैसे कि बौद्धों के बुद्ध पूर्णिमा में विशेष स्थान दिया गया, वहीं पर मुस्लिमों में रमजान में विशेष स्थान दिया जाता है, और हिंदुओं में चांद को विशेष स्थान दिया जाता है कई अन्य त्योहारों में। पर चांद साइंस की भी नजर से नहीं बच पाया है और वहां पर मनुष्य ने जाकर अपना कदम रख दिया है। भारत ने चंद मिशन भेजे चांद पर, तो अमेरिका ने अपोलो मिशन भेजे चांद पर अपने, और वहां पर मनुष्यों को उतारा, यानी कि वहां पर आदमियों को उतारा। लेकिन सभी लोगों में दिलचस्पी रहती है कि चांद कभी आधा तो कभी पूरा तो कभी बिल्कुल नहीं दिखाई देता, इसके पीछे का क्या रहस्य है चांद का? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं चांद के इन रहस्यों को, जानते हैं और उसके बारे में खोजते हैं, और क्या कारण है, क्या वजह है जो हम नहीं समझ पाते, इस वीडियो में आप जरूर समझ पाएंगे। तो हमारी वीडियो देखिए अंत तक। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो सके, और आने वाले सभी वीडियोस जो पिछले वीडियो दिए गए हैं यूट्यूब चैनल पे वो भी आपको प्राप्त हो सके और रिकमेंड करने लगे और उसका भी ज्ञान आप प्राप्त कर सके। दोस्तों, जिस तरह से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरह से चांद पृथ्वी का चक्कर लगाती है। हर एक दिन लगभग 27 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, और वहीं पर पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी को ग्रह माना जाता है क्योंकि अपने सौर मंडल के केंद्र का चक्कर काटती है, यानी केंद्र में सूर्य स्थित है, जबकि पृथ्वी का चक्कर चांद काटता है, इसीलिए इसे एक उपग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, चांद पृथ्वी से बहुत ही हल्का है, यानी बहुत ही छोटा है। वहां पर अगर जाएंगे तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण जो हो जाता है चांद का, पृथ्वी के मुकाबले 1/6 भाग के बराबर हो जाता है, यानी कि वहां पर अगर 60 किलो का वजन लेकर जाएंगे तो वहां पर लगभग 10 किलो का वजन हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें तो पृथ्वी से चांद 384,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन कभी कभी यह नज़दीक भी आ जाता है, लगभग 3,15,000-16,000 किलोमीटर के नज़दीक आ जाता है, और कभी कभी 4 लाख से ज़्यादा भी दूर तक चला जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चांद का हमेशा एक भाग दिखाई देता है, जो कि सदियों से मनुष्यों को दिखाई देता आया है और आज भी दिखाई दे रहा है। इसका जो मुख्य कारण है वो पृथ्वी से संपर्क रखता है, यानी पृथ्वी इसका एक मेन कारण। आगे आपको बताएंगे वीडियो में कैसे ये मुख्य कारण है पृथ्वी। लेकिन दोस्तों, अब चलते हैं अपने रहस्यों को खोजने के लिए। दोस्तों, इस एक 3D वीडियो के देखिए, इसमें पृथ्वी, चांद और सूरज दिए गए हैं। दोस्तों, चांद एक पृथ्वी का उपग्रह है, जिसे हम लोगों ने मिलकर चांद नाम दिया गया है। वहीं पर मंगल के उपग्रह को फोबोस और डिबोस नाम करके पुकारा जाता है। वहीं पर कुछ शनि के उपग्रह है, जिन्हें टाइटन के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, कहानी पे वापस आते हैं। अब इस वीडियो में देखिए, जब चांद ऐसी स्थिति में होता है तो चांद बहुत ही छोटा दिखाई देता है शाम को, लेकिन प्रत्येक दिन जैसे जैसे ऐसे ऐसे स्थिति में चलता चला जाता है तो चांद हल्का हल्का बड़ा होता चला जाता है। आने वाले 15 दिन के अंदर वो बहुत ही बड़ा हो जाता है और पूर्ण रूप से दिखाई देने लगता है। इस वीडियो को आप देखकर पता लगा सकते हैं कैसे हो रहा है। जैसे कि वीडियो में हमने पहले बताया कि पृथ्वी का चक्कर चांद 28 दिन में काटती है, इसकी वजह से चांद पहले 15 दिन छोटा से बड़ा होता दिखाई देता है शाम को, लेकिन उसके बाद 14 दिन जो दिखाई देता है बड़ा से छोटा हुआ दिखाई देता है, वो भी सुबह के समय। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, 3D वीडियो जो चल रहा है स्क्रीन पर, इसकी वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं चांद कैसे छोटा और बड़ा दिखाई देता है। यही रहा है इसके रहस्यों का रहस्य। लेकिन दोस्तों, चांद के इस रहस्य को बातों से कम बताया जा सकता है, लेकिन आप 3D वीडियो देखकर इसका अंदाजा बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लिए होंगे, और आपको जरूर पता हो गया होगा कि आपके माइंड में एक सिट जरूर बैठ गया होगा कि आखिर चांद कैसे छोटा और बड़ा दिखाई देता है। कभी कभी दिन में भी दिखाई देता है तो कभी कभी रात में छोटा और बड़ा दिखाई देता है। अगर दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।